बादशाह पटेल असलम बॉम्बे और इनके साथ वार्ड नंबर 27 और 41 के कई सारे नौजवानों ने कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया। ये ज्वाइनिंग रखी गई थी अंडर द लीडरशिप ऑफ गुलबर्गा नॉर्थ कांग्रेस एमएलए कैंडिडेट कनीज फातिमा। इस दो वार्ड के नौजवानों ने भारी तादाद में मोटरसाइकिल पर सवार रैली की शक्ल में गुलबर्गा नॉर्थ कांग्रेस एमएलए कैंडिडेट कनीज फातिमा के घर पहुंचे। इस मौके पर फराजुल इस्लाम, जैदुल इस्लाम, मजहर आलम खान, सैयद अहमद एक्समेर, कॉरपोरेटर गौस मुत्तेमूड, कॉरपोरेटर अजमल गोला के अलावा कांग्रेस के कई सारे लीडर्स ने इस ज्वाइनिंग के मौके पर सभी नौजवानों को मुबारकबाद दी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। मैं आज बड़ी खुशी का दिन है हमारे लिए। आप जो नौजवान यहाँ पर ज्वाइन होने के लिए आए हैं कांग्रेस पार्टी में, दूसरी पार्टी को छोड़कर, आप लोगों ने जो फैसला लिया है ये बहुत अच्छा फैसला है आप लोगों का, क्योंकि हमको अपने कॉन्स्टिट्यूंसी बचाना है तो हम सबको मिलजुल कर काम करना है। और इंशाल्लाह ताला हमारी कांग्रेस की गवर्नमेंट भी आने वाली है, आने के बाद हम सब जो भी है हमारे मसले मसाइल हल कर सकते हैं। जुल्म हो रहे हैं बीजेपी की तरफ से, आप तमाम जानते हैं। आप लोगों हमें मुत्तहिद होके एक पार्टी को लाएंगे तो ही हमारे फ़ायदा है। एक हमारे वोट बटने से बीजेपी को फ़ायदा होगा, तो आप लोगों ने ये सही फैसला लिया है। मैं आप लोगों के फैसले की तायद करती हूँ और इंशाल्लाह हम सब मिलजुल कर काम करेंगे तो हमारी जीत इंशाल्लाह ताला यकीनी है। आप लोगों का ज़्यादा टाइम नहीं है, इंशाल्लाह फिर बात करने का मौका मिलेगा। हम लोग एमएस के मिल भी आएंगे, जहाँ जहाँ भी है बात करेंगे पब्लिक मीटिंग से या ग्रुप मीटिंग में। तो बॉम्बे असलम जी और उनके तमाम साथी, मेरे भाई, दोस्त और अहबाब, सबको मेरा दिल से तहे दिल से अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातहु। मैं आप लोगों से दिल की अमीर गहराई से सबसे पहले सब भाइयों का आज गुलबर्गा के माहौल को देखते हुए मेरे भाई असलम बॉम्बे ने जो फैसला लिया मेरे चंद अल्फाजों से, मेरे भाई मेरे बात को लब्बैक कहा। भाई मैं आपके साथ हूँ, मैं नए ये सरों का समंदर आपके साथ लेके आता हूँ बोलकर 8 दिन से मुसलसिल इस सरों के समंदर को जॉइंट करते हुए। और ये कोई जो मैडम माजी, ये कोई वहां से दूसरे यहां से वहां से लाए हुए नहीं है, ये आपके ही वार्ड नंबर 27 के मोहम्मदी चौक के यहाँ के ही लोग हैं। मेरे खालिद भाई जानते हैं, आपके भी वार्ड से थोड़े बहुत हैं यहाँ पे। ये जो जनता दल के जो बीजेपी की बी टीम बनकर गुलबर्गा में जीतने के लिए नहीं आई, वो अपने मुंह से कह रहे हैं कि हम इस बार मैडम कनीज फातिमा को हराकर हम कांग्रेस ज्वाइन करेंगे, ये मुद्दा उठा के आए हैं। और कुछ हमारे साथी गद्दार 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 कह रहे थे, अपने बाइट्स में बार बार कह रहे थे, ये हमारे बाजू में गद्दार है, हम चार मौसी एक गद्दार निकला है, एक गद्दार निकला है। आज वही गद्दार को अपने साथ में लेकर बैठकर खाना खा रहे हैं, हर स्पीच में लेके रहे हैं, हर ज्वाइनिंग में लेके जा रहे हैं। ये कौन गद्दार है ये आप बाखूबी जानते हैं, लेकिन आप लोग
इतना इंतजार करते पर भी मैडम कनिष फातिमा आने के बाद ही हम जाते हैं बोलकर आप जो उनका इंतजार किया है, मैं फिर एक बार आप लोगों से माफी चाहता हूं जो ताखीर हुई है, लेकिन आप लोग मुत्तहिद होकर बॉम्बे असलम और उनके वालिद साहब के कहने पर जो यहां पर मैडम कनिष फातिमा का हाथ मजबूत करने के लिए, कांग्रेस पार्टी के हाथ को मजबूत करने के लिए आप जो फैसला लिया है, ये अल्लाह बेहतर जानता है कि हम और आप मैडम कनिष फातिमा का नहीं, ये जितने मुसलमान और हिंदू सेकुलर भाई हैं उन तमाम को गुलबर्गा नॉर्थ में अमन और चैन के चैन और शांति देने के लिए आप मुतहद हुए, और आप तो इस तरह जीते आए हुए हैं खमर इस्लाम की कॉन्स्टिट्यूशन में, इस तरह जीते आए शान शौकत में, लेकिन अब चंद सालों में जो बीजेपी हुकूमत कर रही है और हमारे मुसलमानों के ऊपर जो जुल्म ढा रही है, ये जुल्म को देखकर मुत्तहिद होकर आपने जो फैसला लिया है, मैं तहे दिल से आपका इस्तेमाल करता हूँ, और खास कर मेरे अंकल को बार बार कहता हूँ, असलम भाई को और उनके तमाम साथियों को माफी मांगते हुए उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और इसके साथ साथ आज जो जुट कर मेरे साथ आए हैं, इसी तरह मई की 10 तारीख को एक जिम्मेदारी मैं असलम बम्बई को दे रहा हूं और हमारे चाचा से जिम्मेदारी की इल्तिजा कर रहा हूं कि 10 तारीख को सुबह 7 बजे से शाम 6:30 बजे तक जो पोलिंग का टाइम दिया गया है, हम अपने घरों से और अपने पड़ोसियों के घरों से और एरिया से सबके घरों में जाकर दिल से रिक्वेस्ट कर उस दिन हमारा जो हक है, जो बाबा साहब अंबेडकर ने जो दिया है वोट का हक, हम बराबर दिल की गहराई से उनको रिक्वेस्ट करके बराबर वोट डालने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। आज मुतय हुआ 10 तारीख को ये फैसला शाम 6:30 बजे तक जो आता है, इस कर 13 तारीख को जो रिजल्ट है, इन बीजेपी और जनता दल और तमाम दीगर पार्टी जो सर उठाए हैं उनको मुंह तोड़ जवाब देंगे इंशाल्लाह। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ अरे मेरे मौला, हम तमाम मुसलमानों से और दीगर मेरे सेकुलर जो तमाम मजहब के लोग हैं, सबको इस गुलबर्गा शहर में अमन और शांति से जो हिंदुस्तान की गंगा जमुना तहजीब है, इन्हें हमेशा चैन और अमन से रहने की तौफीक दे।